अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके लिए स्मार्ट होल की फीचर का रिव्यू लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। स्मार्ट होल के फीचर के कैसे रिव्यूज हैं, मैं सभी आपको डिटेल से बताऊंगी। इसके रिव्यूज कैसे आए हैं और किस तरह का ये फीचर है, सब कुछ बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है वाइटनिंग क्ले मास्क स्मार्ट होल का। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है मसाज क्रीम। इसके टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत सॉफ्ट से क्रीमी टेक्सचर है। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है स्मार्ट होल का 20 वॉल्यूम। नेक्स्ट इसका स्मार्ट होल का वाइटनिंग पाउडर। और इस आपको मैं स्क्रीन पर बनाने का तरीका सब कुछ समझाती हूँ, इसके रिव्यूज भी आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में। अभी मैं बॉल एंड ब्रश ले लेती हूँ और आपको मैं भी दिखा रही थी वाइटनिंग कैप्सूल। आप किसी भी मार्केट से आपको ईजीली अवेलेबल है, एडवर्टी वॉल्यूम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा वाइटनिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे और इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने हैंड पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम 10 मिनट इसको छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी मैं इसको फ्रेंड की हाथ पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के बाद उसको वॉश करके मैं आपको इसके रिजल्ट भी चेक करवाऊंगी। सो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए। और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कितना अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट है। हम अपने क्लाइंट के हेयर पर यूज़ करेंगे वो है क्लिनजर। और क्लिनजर को अपने क्लाइंट के हेयर पर लगाकर अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद 5 to 6 मिनट के बाद आप वॉश कर देंगे। हम अच्छी तरीके से लगा देंगे, अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद इसको वॉश कर देंगे। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो डबल एक्शन क्लिनजिंग क्रीम है। इसको हम थोड़ा सा लेंगे और अपने क्लाइंट के हेयर पर लगा के अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद 5 to 6 मिनट के बाद हम अच्छी तरीके से 5 to 6 मिनट मसाज करेंगे और उसके बाद हम इसको वॉश कर देंगे। और आपको इसका रिजल्ट आपको पता ही है कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया है। और जो नेक्स्ट यूज़ करने जा रही हूँ वो है स्क्रब क्रीम। और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर है इसका, बहुत ही अमेजिंग। और इसको भी अपने क्लाइंट के हैंड पर लगाने के बाद 7 to 8 मिनट के बाद इसको अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम इसको वॉश कर देंगे। और नेक्स्ट जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम का भी आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर है। नेक्स्ट जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है वाइटनिंग क्ले मास्क। इसको लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से अपने हैंड पर अप्लाई कर देंगे और इसको 5 to 6 मिनट अपने फेस अपने हैंड पर लगाकर इसको लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे। रिजल्ट आपको पता कितना अमेजिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।